गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बेटा हम हमारा लेसन नंबर 12 सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर बेटा हम मैटर की इन तीनों स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। डियर चिल्ड्रन, वी आर सराउंडेड बाय डिफरेंट थिंग्स सच एज एयर, ट्री, वाटर, स्टोन, पेपर, कुकिंग गैस, फर्नीचर। हम बेटा अपने आस पास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि ट्रीज है, वाटर है, स्टोन है, पेपर है, कुकिंग गैस है, फर्नीचर है, ये सब हमारे आसपास पाए जाते हैं। सम ऑफ दीज आर नेचुरल वाइल अदर आर आर्टिफिशियल। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेटा जो नेचुरली हमें हमें नेचर ने प्रोवाइड किए, कुछ ऐसी हैं बेटा जो आर्टिफिशियल यानी कि ह्यूमंस ने बनाई है। ओके, उसके बाद आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जंप स्टार्ट एक्सरसाइज। कल हम बेटा मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ट्रू फॉल्स का। इसके अंदर ऑल द लिविंग थिंग्स आर मैन मेड। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं बेटा उन्हें मैन मेड का मतलब क्या बेटा, आदमियों ने बनाया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स हो जाएगी। जैसे कि माउंटेंस जैसे कि ट्रीज हैं, ह्यूमन बींग्स हैं बेटा, ये सारे क्या है, नेचुरल थिंग्स के अंदर आते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ग्रो, फील एंड डाई। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं बेटा वो सांस लेती हैं, उनके अंदर ग्रोथ होती है, फीलिंग्स होती है, उनकी डेथ भी होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे आप टी टाइप करोगे। सोयल एंड प्लांट्स आर द एग्जांपल ऑफ मैन मेड थिंग्स। जो सोयल है, प्लांट्स है बेटा, वो मैन मेड थिंग्स है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। प्लांट्स और सोयल दोनों नेचुरल थिंग्स के अंदर आती है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस। इसने कहा बेटा जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है उन दोनों के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रिप्रोडक्शन केवल लिविंग थिंग्स के अंदर ही पॉसिबल है। उसके बाद बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है। ब्लैंक एंड ब्लैंक आर द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स के एग्जाम्पल लिखने थे बेटा तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कार है, बाइसिकल है, ट्रक है, कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं बेटा, आपके मैन मेड थिंग्स के अंदर आते हैं। सेकेंड है ट्री, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक थिंग्स। जो ट्रीज है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है बेटा, वो किसके एग्जाम्पल है, वो किसके एग्जाम्पल आते हैं, ये तीनों क्या है हमारे लिविंग थिंग्स है। उसके बाद बेटा लिविंग थिंग नीड ब्लैंक टू ब्रीथ। लिविंग थिंग्स को बेटा किस चीज़ की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एयर की। एयर के अंदर बेटा अलग अलग गैसेस होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके और ब्रीथिंग कर सके, ठीक है। उसके बाद आते बेटा नॉन लिविंग थिंग्स दैट थिंग्स कैन नॉट ब्लैंक एंड ब्लैंक। नॉन लिविंग थिंग्स बेटा क्या क्या नहीं कर सकती, वो ब्रीथ यानी सांस नहीं ले सकती, उनके अंदर ग्रोथ नहीं होता, रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर परफॉर्म नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर परफॉर्म नहीं होती, ठीक है। आपकी जंप स्टार्ट एक्सरसाइज थी, इसे आप फिल कर लेना। ओके, थैंक यू।